अलीगढ़ वॉज अ वेरी गुड मूवी. मनोज बाजपेयी एंड राजकुमार बोर्डर डन देयर कैरेक्टर्स रियली वेल. इट्स अ वेरी गुड स्टोरी टेलिंग ऑफ अलीगढ़. कैसी लगी? अलीगढ़ कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा. क्या अच्छा लगा मतलब फिल्म में? परफॉर्मेंसेस मनोज बाजपेयी और बाकी सबका. ओके, सब राजकुमार यादव का भी. आउट ऑफ 5 कितना स्टार देंगे? 4 फर्स्ट. थैंक यू. ठीक है बोरिंग पिक्चर है. अलीगढ़ के नाम पे इतना नाम बेकार किया पिक्चर ने. इसको जो है ना 5 में से 1 भी पॉइंट नहीं है. खाली फोकट बेकार पैसा गया भाई. बेकार पिक्चर लगी. कुछ नहीं क्या हो तो वो है, उसको तो बताने का नहीं. Rajkumar Rao was good. Manoj Bajpayee, after all, yeah, of course, he was fantastic. 3, I believe. Yeah, kind of. It's a serious movie. It's no, not really. Like, I was not knowing about the film. It was quite surprising. Yeah. Sorry? Yeah, of course. Thank you. Aligarh was a very good movie. Manoj Bajpayee and Rajkumar both have done their characters really well. It's a very good storytelling of a real incident which had happened, which can relate to. Only there were a few low moments in the second half. The movie went a bit slow. Otherwise, overall, the movie was really well, nicely made. It's a very serious topic and it's an awakening movie also. Thank you. It was a very good combination wherein both of them are very good theatre artists and good, have done a lot of work in theatre also and good actors also. So both Manoj and they have done the character really well. So while Rajkumar was playing a young reporter and Manoj was playing an old professor, he was playing a 64-year-old guy and he did a very lot of justice to the character which is doing. Around 3 and a half. Yahan pe aa jao. Good. It was like a social message and Manoj Bajpayee had done superb job. Rajkumar is good, but Manoj, I forgot his name, like Manoj Bajpayee is Manoj Bajpayee. We can't compare like with the Rajkumar. Was little bit slow movie, but it's finally the end of the day, it's a social message. So we cannot compare with the like masses movie. Sorry? For me, 4.5. Okay. Story itni sahi nahi thi, magar Manoj Bajpayee is the best and bahut achhi movie lagi. Manoj Bajpayee is acting bahut best. Unki theek thi. My best actor is Manoj Bajpayee. Iske liye dekhne ke liye aaya. Manoj Bajpayee is the best. Story theek thi, magar Manoj Bajpayee is the best. मनोज बाजपेयी इज द बेस्ट सुपर स्टार. अच्छी मूवी है, मतलब मासिस के लिए नहीं है, क्लास के लिए. मासिस को काफ़ी बोरिंग लगेगी, बट स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. और जो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बताया गया है, मतलब कि उनकी भी एक फीलिंग होती है, वो मतलब काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया डायरेक्टर ने. और स्पेशली मनोज बाजपेयी मास्टरपीस. राजकुमार राव ऑल्सो इन सपोर्टिंग रोल, ही डिड अ ग्रेट जॉब, बट द मेन थिंग इज मनोज बाजपेयी. 4. मुझे अभी जो मैं बताया वो इस सबसे अलीगढ़ मूवी भी के बहुत सुपर स्टार अच्छी सार की बनाई उसने उन्होंने. और डायरेक्शन के समय में बोल रहा हूँ कि मैं आज तक कोई भी मूवी में देखा इतना जो गौर से उसने डायरेक्ट किया है और छोटी छोटी चीज़ों पे जिस मसले से उसने बताया है वो इस बहुत सुपर काम बताया डायरेक्शन में. उसमें एक एक पॉइंट और एक एक कहाँ से क्यों आ रहा है अगर आप शांति से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्या आ रहा है उस चीज़ में. मतलब डायरेक्शन में एकदम सुपर किया है. इसके थोड़ी इसके पीछे जो थीम भी है और जो स्टोरी जो मैसेज भेजना चाहते हैं वो मैसेज एकदम स्लाइटली लाइटली आपके माइंड को छुएगा. जब एक दो बार शांति से देखेंगे समझेंगे तो ही छुएगा, अदरवाइज नहीं है. मनोज बाजपेयी के लिए आप क्या बोल सकते हैं यार. उसने जो सीन्स में जो बैकग्राउंड में भी अगर बैठा है, जो अभी मेन फिल्म जो शो चल रहा है उसके पीछे भी जो मेन सीन जो चल रहा है उसके पीछे बैकग्राउंड में भी अगर रहेगा तो भी आपका उसके ऊपर नज़र जाना ही है. उसका रीज़न है उसकी एक्टिंग.
वो समय पे भी वो चुपचाप बैठा नहीं है, तो वो कमर मनोज भाई वाजपेयी की भी है और साथ साथ में डायरेक्टर की भी है कि डायरेक्टर ने भी वो पॉइंट पे ध्यान करके उससे करवाया है और इसने अच्छी तरह से वाजपेयी ने उसको निभाया, किरदार को जो निभाया है ना, अनबिलीवेबल यार। लोग ये आम पब्लिक की बात नहीं है, आम पब्लिक समझने के नहीं है, जो क्लासिकल लोगों का जिसको समझ में है दिमाग है वही समझेंगे। ये थीम जो हम लोग आज की तारीख में ये जो चीज़ भी बोलते हैं वल्गैरिटी की समझ में, उसके पीछे का उद्देश्य और ये क्यों होता है वो कोई सब नहीं समझते हैं। हाँ, इसकी वजह से ये फिल्म चलने की बात डिफरेंट ही है और मैसेज जो डिफरेंट ही है। हाँ, ओके, थैंक यू।